तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे प्रूफ देखिए दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया और अपलोड करने के कुछ ही देर बाद दोस्तों हमारा ये वीडियो है दोस्तों वायरल हो गया। यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ हमारा यहाँ पे व्यूज बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे कैसे अपने वीडियो को वायरल करवा सकते हैं अपने शॉर्ट वीडियो को दोस्तों, मात्र कुछ मिनट में ही दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसमें क्या ट्रिक लगाया, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे देखिए दोस्तों आप शॉर्ट फिल्म में हमारा जो वीडियो चला गया, तो आपको पता है दोस्तों शॉर्ट फिल्म में वीडियो जाने के बाद अपने आप वो दोस्तों वायरल हो जाता है और उस पर दोस्तों बहुत सारे व्यूज आते हैं, लाख लाख व्यूज आने लगते हैं दोस्तों। अगर आपका वीडियो एक बार शॉर्ट फिल्म में चला जाता है दोस्तों तो बिल्कुल वायरल हो जाता है दोस्तों। तो क्या ट्रिक है दोस्तों आपको अपने वीडियो को शॉर्ट फिल्म में भेजने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा कि आप वो ट्रिक क्या है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी अंकुश अजीत आईडी नीचे सो या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर दोस्तों हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वीडियो के एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको काइनमैक्स ड्रॉप इन करना है, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से 1:1 आपको पहले सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों 1:1 को ही सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से दोस्तों इस तरह का टाइप के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो हमारा इस तरह का आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और उस वीडियो को लेना है दोस्तों जिस वीडियो को आप एडिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये वीडियो इसी तरह ले लेते हैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे पहले हम इसको जूम करके यहाँ पे दोस्तों कर लेते हैं इस तरह का, तो ऊपर में कुछ छोड़ देंगे दोस्तों या आप उसको भी फुल करके वहाँ पे कुछ लगाना है दोस्तों, तो हम इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम दोस्तों इस तरह करके सेट कर दें इसको। अब क्या करना है दोस्तों, आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से एक आपको व्हाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से हम व्हाइट बैकग्राउंड ले लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ऊपर में जो आ रहा है दोस्तों, ये वाला क्लिक करके दोस्तों इस तरह हम इसको यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा बैकग्राउंड के रूप में आएगा दोस्तों। अब इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ओके करके इसका दोस्तों हमें कलर चेंज करना है, पहले लास्ट तक इसको हम कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको क्लिक करेंगे बैकग्राउंड को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और यहाँ से दोस्तों हमें कलर का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली कलर पर क्लिक करके यहाँ से हम यहाँ इसको हम रेड कलर ही करते हैं दोस्तों, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको टेक्स्ट भी लगाना है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट अपना लिख लेते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं दोस्तों बेस्ट अर्निंग ऐप, और यहाँ पे कोई एक इमोट का यूज़ करते हैं जिससे दोस्तों हमारा जो है व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे जो इमोट। तो यहाँ से हम अर्निंग के बारे में बताएं तो इस तरह का हम इमोट जो है यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरह रख देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर देंगे और यहाँ पे हमारा फॉन्ट भी चेंज हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, इसको आपको लास्ट तक कर देना और इसको दोस्तों म्यूज़िक एक लगा देना है दोस्तों, जो वायरल म्यूज़िक होते हैं जो दोस्तों आप देखे होंगे हिंदी काउंटडाउन लिक्विड टाइम, इस तरह का म्यूज़िक जो है दोस्तों शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा वायरल करवाता है। यहाँ से दोस्तों आप म्यूज़िक भी लगा सकते हैं ऑडियो पर क्लिक करके। अभी तो इसको दोस्तों सेव करना है आपको, तो सिंपली बैक जाके एक्सपोर्ट कर लेना है उसको दोस्तों इस तरह, और करने के बाद अब आपको दोस्तों आना अपने YT स्टूडियो ऐप में। तो दोस्तों ये हमने वीडियो को वायरल करवाया था, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों मैंने टाइटल पहले देखे दोस्तों, मैंने किस तरह का टाइटल लिखा है, पहले यहाँ पे एक इमोट का यूज़ किया, फिर मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाए, फिर उसी को इंग्लिश में लिखा, यहाँ पे दो तीन हैशटैग यूज़ किए दोस्तों आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों चलिए आपको बता दें दोस्तों, पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने जो किया है दोस्तों, यहाँ पे पहले इसको कॉपी किया टाइटल को, फिर उसी को कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में गया और उसमें दोस्तों टाइटल को जाके दोस्तों हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दो तीन हैशटैग लगा, हैशटैग शॉर्ट, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट और हैशटैग अपने वीडियो से रिलेटेड मतलब मोटिवेशन, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया के लिंक दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए योर क्वेरीज लिख के मैंने बहुत सारे हैशटैग यूज़ किए मतलब टैग्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितने सारे टैग्स लगाए हैं, यही टैग्स मैंने दोस्तों वीडियो को वायरल करवाए हैं और शॉर्ट फिल्म में भी भेजवाए हैं दोस्तों, यही सब मेरा टैग्स दोस्तों काम आया है। तो दोस्तों आप ये टैग्स को रैपिड टैग्स के द्वारा यहाँ से कर सकते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों रैपिड टैग्स पे सर्च करके आपको टैग्स बहुत सारे मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दोस्तों शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट, हैशटैग शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट फीड्स, आपको शॉर्ट से रिलेटेड जितने भी दोस्तों आते हैं टैग्स सबको लगा देना, अपने चैनल का दोस्तों लगा देना और बड़े बड़े क्रिएटर्स का आपको हैशटैग यूज़ करना है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको बैक जाना है, यहाँ से दोस्तों बैक जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करके कुछ टैग्स को यहाँ पे भी लगाना है दोस्तों, आपको शॉर्ट्स, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट फीड्स, ये सब टैग्स आपको लगाना है और एक मेरा हैशटैग जरूर यूज़ कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अब आपको अपने वीडियो को पब्लिक करना है, यहाँ से दोस्तों जैसे ही आप पब्लिक करेंगे मात्र कुछ मिनट बाद ही दोस्तों आपका वीडियो शॉर्ट फीड में चला जाएगा।